जरा प्रॉब्लम नंबर 27 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है कि आप जस्टिफिकेशन करने के लिए अर्थ के पोटेंशियल को आप जीरो क्यों लेते हो? क्या आपके पास जो कोई जस्टिफिकेशन है जिसकी वजह से आप ये कह सको कि अर्थ का पोटेंशियल आपको जीरो ही लेना है? यस, हमारे पास जस्टिफिकेशन है। लेट अस सपोज कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी है और कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल टू 4π ε0 इंटू रेडियस। अब अर्थ की रेडियस अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आपको बताया 4π ε0 ये अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा आर के साथ, तो सी जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ को अगर आप कोई सा भी चार्ज दोगे तो चार्ज देने से अर्थ का पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। यह सुनो, देखो यहाँ पर देखो, चार्ज देने से अर्थ का पोटेंशियल क्या है, बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये चार्ज जो दिया है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये ओवरऑल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल को घटा देगी, तो आप जो भी चार्ज देंगे वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इट मीन्स अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। क्यों जीरो है? एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ को है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो जब आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पोटेंशियल जो होता है वो टेंस टू जीरो होता है। फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ध्यान रखना, ध्यान रखने ही वाली बात आपको, ठीक है? तो इजी था, अंडरस्टैंडेबल था, जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में रख लो अपने पास। थैंक यू सो मच।